हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन डिटेल एक्सप्लोर। और मैं आई हूँ काठमांडू। काठमांडू में ये मेरे जन्म पीछे जल नारायण मंदिर है। जल नारायण मंदिर ही बोलते हैं, बूढ़ा नीलकंठ भी बोलते हैं। यहाँ भगवान विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति है जो जल के अंदर है। इसकी कहानी ये है कि एक किसान था, बूढ़ा व्यक्ति था, वो धान की खेती उगाता था। तो धान की खेती जब उगाने के बाद जो काट देता था, फिर उसके बाद फिर से उगाता था धान की खेती। और ऐसे काटते काटते उसके घर में ना धान का ना ढेर लग गया। तो फिर जब बगल पड़ोसियों को पता चला तो उन्होंने उसकी खुदाई की। तो खुदाई करने पर ना जमीन से खून और दूध निकलने लगा। तो खुदाई में से ये विष्णु जी की मूर्ति मिली और इस वजह से वो मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी गई। और उसके आसपास जल है और ये कहा जाता है कि भगवान की बहुत सिद्ध मूर्ति है। और इसमें कहते हैं जो बूढ़ा व्यक्ति ने निकाली थी, उसी व्यक्ति के नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा बूढ़ा नीलकंठ। तो चलिए आके अंदर दर्शन करते हैं। का है लेकिन बुढ़ा आदमी ने खुदाई करने के बाद मिला हुआ है। दो वर्ष पहले ये जमीन था, इसके बाद यहाँ खेती करता था। जितना खेती हुआ ना वो सब ज्यादा ज्यादा फलता था, इसलिए खोद के दिख लिया, इसलिए मंदिर दिखा। शंभुनाथ स्तूप है, ये 2000 साल पुराना मंदिर है। ये स्तूप कहते हैं बौद्ध धर्म का और ये पहाड़ी के ऊपर है। आजकल टैक्सी वगैरह भी आती है, पुराना भी है, लोग पैदल भी आते हैं। पैदल में 3 घंटे लगते हैं, गाड़ी से आप
आधे घंटे में आ जाते हैं। और सीढ़ी काफ़ी हैं, स्टेयर काफ़ी हैं, और अपना फ़ोन मोबाइल सब कैमरा वगैरह बचा के चलिए, आप खूब सारे मंकी मिलते हैं। और कहते हैं एक बड़ा घंटा है, वो घंटे से आपकी सारी विषय ना भगवान बुद्ध तक पहुँचती है। तो चलिए मेरे साथ। Person B, state, flat. थोड़ा दवा के नहीं स्टेट करके टच करके रगड़ना चाहिए, टच करके रगड़ना चाहिए 6-7 बार आहिस्ता आहिस्ता करना। स्टार्टिंग में आप फास्ट कीजिए, अब साउंड आने के बाद आहिस्ते कीजिए, इसे धीरे कीजिए। तो बड़ा है ना, छोटा कितने का? कितने का ये? घंटा है जिससे है ना क्या कहते हैं सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती है, घंटा बजाते हुए ये भी भगवान बुद्ध तक पहुंचाता है घंटा। This one? This one. 1500 beats.